फूलों की राजकुमारी। एक समय की बात है, एक राज्य था जिसका नाम था वर्डे। वर्डे के यहाँ एक उदार और अच्छे दिल वाला राजा था, जो अपनी बेटी राजकुमारी फ्लोरेट के साथ क्रिस्टल पैलेस में रहता था। राजकुमारी फ्लोरेट एक अलग तरह की लड़की थी। वर्डे के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। वो हैरान रह जाते ये सोचकर कि राजकुमारी एक ही समय में शांत और बहादुर कैसे रह पाती थी। खैर, वो इसलिए क्योंकि राजकुमारी फ्लोरेट का एक रहस्य था। दिन भर वो एक मजबूत निडर राजकुमारी रहती, पर शाम होने से पहले पूरे 2 घंटे वो अपने पसंदीदा जगह में जाती, उसका निजी बगीचा। राजकुमारी के बगीचे में बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि वो अपने रहस्यमयी बगीचे में एक राजकुमारी नहीं रहती थी। इन 2 घंटों में वो ताज नहीं पहनती, उसके पहरेदार आसपास नहीं रहते और वो राज्य के काम नहीं करती थी। यहाँ पर वो सिर्फ फ्लोरेट बनकर रहती, एक लड़की जिसे फूल बहुत पसंद थे। ओह, कितने प्यारे हो तुम। क्रिस्टल पैलेस में सिर्फ राजकुमारी फ्लोरेट एक अकेली नहीं थी जिसका कोई रहस्य था। खुद राजा ने भी एक रहस्य छुपा कर रखा था और राजकुमारी के लिए वो बहुत चिंतित थे। किसी को पता नहीं था क्यों। हमें राजकुमारी के लिए जल्द ही एक वर ढूंढना होगा। कोई जो उसे अच्छे से समझे और वो जैसी है उसे वैसे ही अपनाए। जैसी वो है से मतलब? सर, वो एक राजकुमारी है, हम उनके लिए एक होनहार राजकुमार ढूंढेंगे। मुझे अफसोस है कि ये उतना आसान नहीं है। वो बस एक राजकुमारी नहीं है। राज्य के सभी लोगों में ये ऐलान कर दो, राजकुमारी को फूल पसंद है और जो भी उस फूल को ढूंढ कर लाएगा, जो उसके दिल के बहुत करीब है, उसे राजकुमारी से शादी करने का मौका मिलेगा। राजा ने किसी को भी नहीं बताया कि वो अपनी बेटी के लिए हमेशा परेशान क्यों रहते थे और कोई उनसे पूछ भी नहीं सकता था। राजकुमारों को महल में बुलाया गया और सच्चे राजकुमार की तलाश शुरू हुई। राजकुमारी, हम तुम्हारा दिल जीतने आए हैं। ओह, मेरे प्यारे राजकुमार, तुम गलत जगह पर आ गए हो। वर्डे में अगले 7 महीने तक कोई भी प्रतियोगिता शुरू नहीं होने वाली है। काफी राजकुमारों ने कोशिश की, पर राजकुमारी फ्लोरेट जरा भी प्रभावित नहीं हुई। राजकुमारी, मैं तुम्हें पूरे दिल और जान से स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सूरज लेकर आऊंगा और तुम्हें चांद पर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे दिल को बहुत। तो सूरज का क्या होगा अगर तुम मुझे चांद पर ले जाओगे? वो कितना अकेला हो जाएगा। मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं। सोचना शुरू कर दो। गुलाब, गुलाब आपके दिल के करीब है। आप भी गुलाब से कम नहीं, खुद ही देख लीजिए। ओह, ये बेचारा फूल। एक फूल तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा देखो इसे, ये किसी काम का ही नहीं रहा। सिपाहियों, इस गुलाब को जल्दी ले जाओ और वापस लगाओ। इसका मतलब आपने मेरा फूल स्वीकार किया। अगली सुबह राजकुमारी फ्लोरेट अपने पसंदीदा जगह में बैठी थी और फूलों से उस राजकुमार के बारे में शिकायत कर रही थी। वो इतनी चिड़ी हुई थी कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें कोई देख रहा है। कौन है वहाँ? ऐसे एक मधुमक्खी की तरह तो नहीं लग रहा। सामने आओ। हाय। कौन हो तुम? मैं पिक्सी हूँ। ये मत कहना कि तुम्हें पिक्सी नहीं पता। ओह, मुझे पता है कि पिक्सीज कौन होते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तुम यहाँ आए कैसे? मैं दीवार के ऊपर चढ़कर झाड़ियों से गुजरते हुए एक लकड़ी के सहारे यहाँ तक पहुँचा। मैं उड़कर आया बुद्धू। ओह, तुम बिना दिमाग का इस्तेमाल करो। मेरा मतलब है कि यहाँ आना मना है। ये मेरी जगह है,
तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाकर राजा से शिकायत करती हूँ। क्या? प्लीज राजा को कुछ भी मत बताना। ठीक है, मैं बदतमीज था, मुझे माफ करना। बेहतर होगा राजा को इस बारे में मत बताओ, वो वैसे ही राजकुमारी के लिए परेशान है। तुम जरूर राजकुमारी की नौकरानी होगी। राजकुमारी ने अपनी असलियत के बारे में नहीं बताने का फैसला किया और पिक्सी को सोचने दिया कि वो राजकुमारी की नौकरानी है और खुद राजकुमारी नहीं। पिक्सी ने उन्हें अपने राज्य के बारे में कहानियाँ सुनाई, झरनों के बारे में, सुंदर जंगल और भी बहुत कुछ। राजकुमारी फ्लोरेट ये सब सुनकर हैरान रह गई। राजकुमारी फ्लोरेट और पिक्सी अब अक्सर मिलने लगे थे। वो अपनी कहानियाँ एक दूसरे से बांटते। पिक्सी हमेशा ये देखकर हैरान रहता कि किस तरह राजकुमारी फूलों से बात करती थी, किस तरह वो कीड़ों पर मुस्कुराती और उनके बच्चों से मिलती। पिक्सी पहले कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला था, उसे वो और भी पसंद आने लगी थी। पर पिक्सी का प्यार जल्दी ही मुसीबत में बदल गया जैसे ही एक पहरेदार ने उन्हें बगीचे में आते हुए देखा। पिक्सी को गिरफ्तार करके उसे शाही अदालत में पेश किया गया। पिक्सी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे यार, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा। वही तो है राजकुमारी फ्लोरेट। हमें ये जीव बगीचे के आसपास मंडराते हुए मिला। ये एक पिक्सी है, कोई जीव नहीं। तुम्हें कोई तमीज है या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी। राजकुमारी के हुक्म पर पिक्सी को पिंजरे से बाहर निकाला गया और उसे एक नर्म आरामदेह कुर्सी पर बैठाया गया। पिक्सी जानता था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो राजकुमारी को जानता है। फ्लोरेट और पिक्सी दोनों शांत रहे। पिक्सी को पूरे सम्मान के साथ उसके घर वापस ले जाया जाए, ये मेरा हुक्म है। क्या? नहीं, क्या तुम इस तरह की राजकुमारी हो? पिक्सीज परी होते हैं, तो तुम कह सकते हो कि मैं भी अपनी जाति का राजकुमार हूँ। और क्योंकि मुझे महल में लाया गया है, क्या एक मेजबान होने के नाते तुम मुझे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए नहीं कहोगी? ये तो पागलपन है। तुम एक पिक्सी हो, हम लोग राजकुमार हैं, और तुम उनके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। ऐसा जरूर होना चाहिए, पिक्सी बिल्कुल सही है, वो अपनी जाति का राजकुमार है, और क्योंकि जिसका दिल साफ होता है वही परी बनने के लायक होता है। राजकुमारी फ्लोरेट हैरान रह गई। उन्होंने पिक्सी की तरफ देखा और उसके साथ बिताए हुए पल को याद करने लगी। मैं अपने पिता से सहमत हूँ, राज दरबार में बहुत सारे लोग हैं, पर पिक्सी ने बहादुरी दिखाई है और वो होशियार भी है। आज रात तक तुम्हें उस फूल को ढूंढना होगा जो मेरे दिल के करीब है, और अगर तुम सफल हुए मैं अपना वादा निभाऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। सभी राजकुमार और अदालत में हाजिर लोग राजकुमारी की बात सुनकर चौंक गए। एक पिक्सी को राजकुमारी के साथ शादी करने का मौका मिला, ये तो हो ही नहीं सकता। रात भर पिक्सी अपने शाही मेहमान के कमरे में टहलता रहा। वो उस पल को याद कर रहा था जो उसने राजकुमारी के साथ बिताए थे, किस तरह वो हंसते, पौधों से प्यार करते, बातें करते। कितनी भोली और दिल की साफ है वो। वो सभी फूलों को एक समान ही प्यार करती है, पर कौन सा फूल उसके दिल के? एक मिनट, मुझे पहले क्यों समझ में नहीं आया? अगली सुबह अदालत में सभी लोग पिक्सी की राह देख रहे थे, पर सबसे ज्यादा बेचैन खुद राजा थे। मैं राजकुमारी और महाराज के आगे नमन करता हूँ, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे वो फूल मिल गया जो राजकुमारी के दिल के करीब है। इस फूल को कहते हैं द ब्लीडिंग हार्ट। नामुमकिन, ये फूल तो सिर्फ वसंत ऋतु में खिलते हैं। और ये फूल बहुत ही आम है, राजकुमारी खास हैं और उन्हें जरूर एक खास फूल चाहिए होगा। ये सच है कि ये वसंत ऋतु में खिलते हैं।
अजीब है कि किसी ने भी उन्हें ठीक महल के बाहर बिन मौसम के खिलते हुए नहीं देखा। ये जादुई ब्लीडिंग हार्ट है और मेरे राजकुमार, कोई भी फूल सादा या खास नहीं होता। कुदरत भेदभाव नहीं करती है, बस हम ही करते हैं। ये कहते ही ब्लीडिंग हार्ट डिब्बे से बाहर निकला और जब वो खुला उसमें से तेज रोशनी निकली। रोशनी ने राजकुमारी के दिल को चीर दिया और राजकुमारी फ्लोरेट खुद एक पिक्सी में बदल गई। ये क्या हो रहा है? जब राजकुमारी छोटी थी उन्हें फूल बहुत पसंद थे, जिसकी वजह से उन्हें एक वरदान मिला था। वो एक इंसान की तरह दिखेंगी पर अपनी असली परी रूप में आ जाएंगी अगर कोई उनकी जिंदगी में आएगा और उन्हें अपनाएगा जिस तरह वो हैं। राजा ने समझाया कि फ्लोरेट सिर्फ एक राजकुमारी नहीं है बल्कि एक पिक्सी फूल की राजकुमारी है। मेरी प्यारी फ्लोरेट, मेरे फूल की राजकुमारी। पिताजी, तुम दिल और आत्मा दोनों से ही पवित्र हो। मैं आभारी हूँ महाराज, लेकिन फिर भी मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं इस दुनिया के सबसे सुंदर फूल से सिर्फ प्यार ही चाहता हूँ, मेरी फ्लोरेट। वैसे तुम्हें मेरी पसंद का अंदाजा तो हो चुका है, पर मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ, फिर फैसला करूंगी। कोई बात नहीं, मैं आपको उस अद्भुत बगीचे में लेकर चलूंगा जो महल के पास है, जहां राजकुमारी की जीनियस नौकरानी हर शाम को वहां जाती हैं। शायद वो आपको भी उतना ही हंसाएंगे जितना मुझे हंसाती हैं। वर्डे के राज्य को अपने असली शासक मिल चुके थे, पिक्सी और फूल की राजकुमारी।